क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास व्हिच इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें इनमें से कौन सा बड़ा है ये निकालना है, मतलब इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा होगा, इसमें से कौन सा वाला बड़ा होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 2/3 है, अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 सेम कर देते हैं, इसके साथ क्या हो जाएगा 4/6 आ जाएगा। और दूसरे वाले को करेंगे तो 5/2 × 3 कर देंगे, बल्कि 15/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4/6, यहाँ पे 15/6। तो बड़ा वाला कौन सा है इसमें से, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो बड़ा वाला कौन सा होगा, 15 वाला होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/6 इज ग्रेटर देन 2/4/6। ठीक है, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो 5/2 है वो ग्रेटर देन किससे, 2/3 से। ठीक है, इसके बाद ये वाला करते हैं, तो ये वाला भी सेम टू सेम ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो -5/6 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3/6 बना सकते हैं ना, तो -4/6, 3 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -8/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये -5/6 है और ये क्या आ रहा है हमारा -8/6 आ रहा है, ये -8/6 आ रहा है ये वाला, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा। अब देखो -5 -8 है यहाँ पे, डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, -5 और -8 है, तो -5 ज्यादा क्लोज है 0 के या -8, ऑब्वियसली क्या होगा -5 0 से ज्यादा क्लोज है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो -5 क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा -8 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे 4 और 3 के टेबल में क्या आता है, सेम 12 आता है, तो -3/4 में हम क्या करेंगे 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3 4 12 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये 2/-3 है तो इसको -2/3 लिख सकते हैं हम, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -8/-12 हो जाएगा। तो देखो -9/12 है ये, -8/12 है, तो इनको अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये क्या हो जाएगा -9/12 और ये क्या हो जाएगा -8/12। अब जो 8 ज्यादा क्लोज है 0 के, ये 9 ज्यादा क्लोज है, 8 ज्यादा क्लोज होगा ना -8, माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो -8 पहले आएगा फिर -9 आएगा ना, तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा इसमें से, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -8/12 बड़ा हो जाएगा, तो -8/12 किसका आंसर आ रहा है इसका, तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन लग जाएगा, जो 2/-3 है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा -3/4 के। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके, तो 4th वाला देखेंगे हम, यहाँ पे -1/4 है, यहाँ पे +1/4 है, तो जब प्लस माइनस वाला होता है तो हमेशा प्लस वाला क्या होता है बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/4 इज लेस देन 1/4। ठीक है, प्लस वाला क्या हो जाएगा हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। अब 5th वाला करेंगे, तो 5th वाला क्या है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 7 3 21 21 + 2 कितना होता है 23 हो जाएंगे, -23/7 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 5 3 15, 15 + 4 कितना होता है 19/5, तो -23/7 हो गया ये, -19/5 हो गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब यहाँ पे अब देखो इन दोनों के टेबल में क्या आता है, 7 और 5 के टेबल में कॉमन क्या है, 7 के टेबल में 35 आता है, 5 के टेबल में भी 35 आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 के साथ 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे, इसी तरीके से यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 7 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, तो
फाइव थ्री जा 15, फाइव टू जा 10 और 1 11, तो 115 अपॉन 35 हो जा रहे हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 कितना होता है 63, तो 63 का 6 हो जाएगा, 7 होता है 7, 7 और 6 कितना होता है 13, ठीक है, अपॉन 7 5 35, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 35 35 डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो 0 से सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा, माइनस 1 और 115 होगा, तो माइनस 1 अगर 33 होगा। तो नंबर्स किस तरीके से बढ़ते हैं, यहाँ पे 0 है अगर तो नंबर लाइन पे यहाँ पे छोटा वाला आता है फिर बड़ा, इस तरीके से बढ़ते हैं ना, तो मतलब 0 के जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस 1 माइनस 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन सा है, माइनस 115 है, यहाँ पे माइनस 133 है, तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, माइनस 115 क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो हमारे पास कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, 3 पार्ट्स में है ये, ठीक है, इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, मतलब बड़े से छोटे की ओर, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला लिखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, अब तीनों ये माइनस वाले हैं, यहाँ पे माइनस 3/5 है, यहाँ पे माइनस 2/5 है, यहाँ पे माइनस 1/5 है, ठीक है। तो नंबर लाइन का सबसे नजदीक वाला कौन सा नंबर होता है, 0 के सबसे नजदीक कौन सा होता है, माइनस 1/5 होगा, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो माइनस 1 होगा सबसे नजदीक 0 के, फिर माइनस 2 होगा, फिर माइनस 3 होगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, माइनस 3/5 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो माइनस 3/5 ये सबसे छोटा है, उसके बाद क्या है, माइनस 2/5 है बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या है, माइनस 1/5, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसे लिख सकते हो। सेकंड वन है हमारे पास 1/3 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा देखो ये माइनस में है दोनों और ये प्लस में है, ठीक है, तो सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला ही होगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इनके जो डिनोमिनेटर है इनको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये 9 है तो इसको भी 9 बना सकते हो, तो 9 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/9 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/9 ये ऐसे रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 12/9, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, अब ये दोनों तो माइनस है, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, 3/9, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/9। अब इन दोनों में से इसके बाद जो छोटा नंबर है वो कौन सा होगा, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 0 से ज़्यादा दूर कौन सा होता है, माइनस 12 होता है या माइनस 2 होता है, तो ज़्यादा दूर क्या है, माइनस 12 है, तो सबसे छोटा माइनस 12 वाला होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2/9, और इससे भी छोटा क्या है, माइनस 12/9, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये थर्ड वाला देखेंगे हम, तो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या, देखो ऊपर तो सेम है बट यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो वो क्या है, 28 है, ठीक है, हाँ, तो 28 इसको 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 28 बनाने के लिए 14 से ऊपर मल्टीप्लाई, 14 से नीचे करना पड़ेगा इसमें, और इसको 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा ये, तो माइनस 12 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 28, फिर इसके बाद दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 14 का 3 से करेंगे तो
42 आएगा, माइनस 42 अपॉन 42 जा 28 हो जाएगा ये भी। इसको करेंगे तो 7 3 जा 21 माइनस 21 अपॉन 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब यहाँ पे 12 है, डिनोमिनेटर तो सेम कर दिया हमने। अब ऊपर वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पे माइनस 12 है, माइनस 42 है, माइनस 21 है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा, बिकॉज माइनस में है। ठीक है, अगर प्लस में होता तो प्लस में जो छोटा नंबर होता वही वाला क्या होता, छोटा होता, और जो बड़ा वाला नंबर है वो बड़ा ही होता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो छोटा वाला नंबर जीरो से ज्यादा नजदीक है ना, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें से, माइनस 42 अपॉन 28, फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, माइनस 21 अपॉन 28 वाला, और फिर इससे बड़ा क्या होगा, माइनस 12 अपॉन 28। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये। अब देखो जैसे यहाँ पे था ना, ये 1/3 था, ठीक है, 1/3 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन लगाना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। इनको हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4/3 वाला कहाँ पे लगा, ये इधर से आ जाएगा, फिर 2 को यहीं पे रहेगा, माइनस 4/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1/3, इस तरीके से आ गई। ठीक है, इस तरीके से आ गई यहाँ पे। वैसे हम इसको भी क्या लिखेंगे, अब देखो माइनस 42/28 कौन सा वाला आया, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3/2 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, सेकेंड वाले पे कौन सा है, माइनस 21/28, तो माइनस 21/28 क्या है, माइनस 3/4 वाला, फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, माइनस 12/28, तो ये वाला होगा। ठीक है, माइनस 3/7, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।